ये कितने की है? ये 4 लाख की जी, 4 लाख की। बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट मशीन है भाई, बहुत ज्यादा अल्टीमेट मशीन है ये। जो चीज मुझे चाहिए थी 390 में वो आ गई है, क्विक शिफ्टर और ऑटो फ्लिपर। ये गलत बात है, हमारी लाइट है ये गलत बात है, ये गलत चीज आई है। ये देखो ये लर्नर है ना, ये एन लिखा हुआ आगे गाड़ी के, तो ये गलत बात है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर 1 ईयर। ठीक है यार, चल रहे थे थोड़ा बिजी। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ठंडा हो गया था, मैंने बीच में शॉर्ट वीडियोस डाला होगा, आप जाओ मेरे चैनल पे देखो, मगर उस शॉर्ट वीडियोस में फायदा नहीं, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो बिल्कुल लो हो चुकी है। अभी 1 लाख सब्सक्राइबर्स की जो एंगेजमेंट है एकदम लो हो चुकी है, मैंने देखा मतलब माइनस में जा चुके। तो आई डोंट नो कि इसके कितने व्यूज आने वाले वीडियो के। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया था कि यार चलो कल से ब्लॉगिंग चालू करेंगे, टाइम बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मगर तब भी आपने वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। तो चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ये सारी बातें फालतू की होंगी। आज का वीडियो अपना ये होने वाला है कि हम KTM RC 390 और KTM RC 390 मतलब पुरानी वाली और नई वाली को कंपेयर करने वाले हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसा ज्यादा कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी जो बाइक है उसका क्लच का वायर टूट गया, तो मैं अपनी बाइक नहीं निकाल पाऊंगा। तो फिलहाल जब तक मेरा दोस्त नीचे आ रहा है, हम जब तक नहा धो लेते हैं, चेंज करते हैं और उसके पास चलते हैं, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। काफ़ी टाइम बाद वीडियो ला रहे हैं तो ज़्यादा बोलेंगे भी नहीं, तो फिलहाल तो नहाते हैं और चलते हैं, नीचे मेरा दोस्त आने वाला होगा। A few moments later. तो भाई ये खड़ी अपनी RC 390। तो यहाँ पे खड़े हैं हमारे भाई आदित्य, ये है भाई उनकी RC 390। तो भाई का मुझे मैसेज आया कि भाई पहला कंटेंट तो मेरी बाइक पे ले ले। तो भाई ये खड़ी अपनी दोनों बाइक के, ओल्ड RC 390 वर्सेस ब्रांड न्यू RC 390 2022 एडिशन। पहले कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपको कौन सी वाली लुक पसंद है, पुरानी वाली लुक पसंद है आपको या नई वाली लुक पसंद है आपको। जाहिर सी बात है आपको पुरानी वाली जो RC 390 उसके अंदर आपको ज़्यादा पावर फील होने वाली है, वो तो हम अभी इस बाइक को चलाने के बाद ही बता पाएंगे। ओनरशिप रिव्यू जो भी मैं डालूंगा 1000 किलोमीटर पर डालूंगा अपने चैनल पे, वो फ्रेंड्स आपको बता देगा। मेरे चैनल आपके चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है इंडियन राइडर AD, जिसका आई कैपिटल है और राइडर का आर कैपिटल है, AD कैपिटल है। ठीक है, तो इंडियन राइडर AD। कालून भाई जिस चीज़ का वेट था वो चीज़ है इसकी TFT डिस्प्ले। सो हेयर इज TFT डिस्प्ले, जिसका बहुत ज़्यादा इंतजार था। अगर मेरे कंपेरेटिवली अगर आप देखना चाहो तो मैं तो यही बोलता हूँ भाई कि अगर आपको KTM RC 390 के अंदर आपको कोई अगर चेंजेस लाने थे तो बॉडी अभी रहने देते, सिर्फ इसकी TFT डिस्प्ले और कुछ नए इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक क्विक शिफ्टर, रोटो फ्लिपर वगैरह आप या फिर कॉर्नरिंग ABS ये चीज़ ऐड कर देते तो बहुत ज़्यादा सही रहता KTM RC 390 के लिए। आगे से देखने में थोड़ी शार्पनेस है, इसका एरोडायनेमिक शेप है, तो इसकी तो थोड़ा मतलब जो स्वाद था वो अलग ही रहेगा, मगर इसका जो है थोड़ा आगे से ब्रॉडनेस कर दी है कि मतलब 3 दिनों में बाइक निकलवाएगा। तो आपने इसमें काम भी करवा लिया? काम करवा लिया हाँ। क्या क्या काम कराया इसमें? अभी तक तो लोडेड है सबसे ज़्यादा, अभी तक मतलब इसमें अभी मुझे दिख रहा है कि हैज़ार्ड फ्लैशर लगे हुए हैं, जैसे कि ये कैप लगा हुआ है और ये चार्जर लगा हुआ है, मेरी नज़र यहाँ पड़ी थी इसमें कि ये चार्जर लगा हुआ है इसमें। ये बहुत यूनिक चीज़ है, लाइटर अभी तक किसी बाइक में मतलब ऐसी में आया नहीं होगा, ये लाइटर भी यहाँ पे आ गया। कंपैरिजन तो भाई इन दोनों बाइक को चलाने के बाद ही मालूम पड़ेगा जब इन दोनों बाइक का ड्रैग रेस होगा, मगर अभी पॉसिबल नहीं है। अभी हम सिर्फ एक बाइक लेके जाएंगे, वो ये वाली बाइक होगी, क्योंकि अभी हमने जाना KTM मायापुरी इसके सर्विस सेंटर में, जो कि मेरी बाइक की क्लच की वायर टूट चुकी है। देखो ये देख रही होगी आपको, तो इसकी क्लच की वायर पूरी टूट गई, तो इसीलिए अभी हमें इसके सर्विस सेंटर जाना होगा। तो हम ये बाइक नहीं लेके जाएंगे, हम दोनों इसी बाइक पर जाएंगे। एग्जॉस्ट नोट है वो सुनने वाले हैं। चलो भाई, ये आवाज़ बड़ी प्यारी लगती है। हाँ चालू तो करो, छोड़ो दो उसका। बंद कर दीजिए, अभी अपना चालू करते हैं। डीपी कलर लग रहा है कुछ चालू हुआ है, पर जो पुरानी वाली की आवाज़ है उसका थोड़ा स्वाद अलग है, क्योंकि हमने भी डीपी कलर इसका जो है वो निकाल रखा है, तो पुरानी वाली की आवाज़ थोड़ी सी हैवी आएगी। इसका डीबी कलर निकला हुआ तो उसकी आवाज़ थोड़ी जाहिर सी बात अलाउड आएगी इसके कंपेरेटिवली। ये भी स्ट्रोक बाइक है, स्ट्रोक ये भी है, मगर इसका डीबी कलर निकला हुआ है और इसका डीबी कलर भी लगा हुआ है, तो वो हमारे आदित्य भाई के ऊपर है, तो घर जाके पूरा सस्पेंशन निकाल देंगे अभी। नहीं नहीं, इनका एक्रा का फुल सिस्टम। तो भाई मुझे तो यही पसंद आया हुआ है, तो अपनी ओल्ड टाइम फेवरेट ये रहेगी। ये खड़ी दोनों बाइक की, अभी इस बाइक को बंद करते हैं, उस बाइक पे चलते हैं, आगे दिखाते हैं कि उस बाइक के अंदर क्या पावर है। पहले हम सीधा चलते हैं यहाँ से KTM मायापुरी, तो KTM मायापुरी जाके आपको सीधा मिलेंगे। तो चलो भाई यहाँ पे चले भाई, बिल्कुल चलते। चलो चलते हैं यहाँ से फिर। ये कितने की है? ये 4 लाख की जी, 4 लाख की।
अब क्या करे, रेट बढ़ते जा रहे KTM के भी, इतने में गाड़ी आ जाती है। क्या करे, शौकीन बंदे अब हम। ओके भाई, बाय बाय बाय, हेलमेट पहन लो। सो हियर वी हैव ब्रांड न्यू KTM RC 390। तो यहाँ पे भाई हम इसका टेस्ट करने वाले हैं अभी चलाकर। अरे भाई क्विक शिफ्टर, मजा आ गया। जो चीज मुझे चाहिए थी 390 में वो आ गई है, क्विक शिफ्टर और ऑटो फ्लिपर। क्या बात है, क्या बात है, अलग ही स्वाद है भाई, अलग ही स्वाद। तो पहले जो मेरी भी थी KTM RC 390 है, उसमें इतनी वाइब्रेशन है, इतनी ज्यादा वाइब्रेशन है, कहने की बात नहीं। और ये इसका क्विक शिफ्ट देखो एक बार आप, और ये डाउन शिफ्ट, और ये अप शिफ्ट, इतना स्मूथ लग रहा है यार, कहने की बात नहीं। मतलब मजा आ गया, बहुत ज्यादा ही बढ़िया काम किया है इस बार KTM वालों ने। बाकी ब्रेकिंग के मामले में अगर हम देखें तो ब्रेकिंग के मामले में पहले से काफी इंप्रूवमेंट आई है। क्या बात है, क्या बात है, क्विक शिफ्टर। क्या बात है भाई, ये डाउनशिफ्ट भी कितनी प्यारी हो रही है यार, कितनी ज्यादा बढ़िया डाउनशिफ्ट हो रही है। बैक अगर व्यू की बात करो तो बैक व्यू इसमें काफी अच्छा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट मशीन है भाई, बहुत ज्यादा अल्टीमेट मशीन है ये। तो भाई अभी तो हम रुके हुए हेडलाइट पे, और सीरियसली बाइक का रिव्यू मैं क्या ही बताऊँ। अभी सिर्फ बाइक आप 300 ही मान लो, सिर्फ 300 किलोमीटर बाइक चली हुई, वो भी 300 पूरी नहीं हुई है, अभी 3 दिन हुए इसको शोरूम से निकले को। पावर मिल रहा है, इतना सब कुछ मिल रहा है, तो एवरेज तो तुम भूल जाओ। बाकी रही बात इसकी पावर की, पहले से जो मेरी बाइक की पावर है उसके अकॉर्डिंगली इसकी पावर थोड़ी सी कम है, मगर अगर हम रिफाइनमेंट की बात करें तो ये बाइक पहले से काफ़ी रिफाइंड हुई है। मतलब चलने में काफ़ी स्मूथ है, क्विक शिफ्टर इसका बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऑटो फ्लिप बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अभी हम इसका क्विक शिफ्ट आपको दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पुश आया। मतलब क्विक शिफ्ट एक फील होता ना बढ़िया वाला, कि हाँ हमने कुछ फील किया है, और उसका ऑटो फ्लिपर भी सही काम कर रहा है काफ़ी। क्या बात है, ऑलवेज जब भी आप रुको ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पहले रुको, वरना कैमरे होंगे तो कैमरे में आपका चलान आ जाएगा। खैर हमारी बाइक की तो नंबर प्लेट ही नहीं है तो चलान नहीं आएगा अभी, मगर फिर भी आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही रुकना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पे, रेड लाइट यहाँ पे, और वो लोग वहाँ जाके रुके हुए हैं। बाकी ये सब समझदार लोग हैं, ये देखो एक और बेवकूफ, ये हमें देख के तो पहले रुक गए। सिर्फ 5 सेकंड की बात है, मगर ये लोग को सबर नहीं है। तो चलिए ग्रीन लाइट हो चुके तो हम निकलते हैं यहाँ से अपना। अरे भैया क्या कर रहे हो, ये गलत बात है, हमारी लाइट है ये गलत बात है, ये गलत चीज़ आई है। ये देखो ये लर्नर है ना, ये L लिखा हुआ आगे गाड़ी के, तो ये गलत बात है। L के बहुत मतलब होते हैं वैसे, हम सिर्फ लर्नर ही बोलेंगे उनको। तो वे काम करते हैं सीधा, आप कैमरा ऑन करेंगे KTM मायापुरी जाके, वहाँ से हमने अपनी बाइक की वायर लेनी है अभी। उस बाइक के अंदर एक प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि जब भी उसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवाएंगे, और भाई साहब इसके अंदर तो गजब की साउंड आने वाली है। फिर जो फील आएगा ना गियर शिफ्ट करने का, मतलब गियर शिफ्ट किया और पटाक करके आवाज़ आएगी, वो तो सुनने वाली आवाज़ होगी इसकी। यार लेते हैं क्लच वायर और यहाँ से निकलते हैं। तो ये आ गया KTM सर्विस, बस सब कैसा लग रहा है। हाँ तो भाई कैसी लगी बाइक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे भाई मुझे तो ऐसा लगा कि भाई मेरी वाली बाइक के अंदर पावर ज़्यादा है अगर उससे हम कंपेयर करें तो। हाँ रात हो गई क्योंकि सीधा मैं जिम चला गया था, उसके बाद तो जिम के बाद अब आ रहा हूँ मैं, तो मैं आपको मिलवाता हूँ भाई मेरे जिम बॉडी से, जो कि आपको रोज़ मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, सोहेल शाहिद। हाय गाइस, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो ये आपको रोज़ ही मेरे ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। भाई कुछ यूनिक करना है हमने, क्या करें बताएं। करेंगे सब, बहुत कुछ करेंगे। नहीं बहुत कुछ तो करेंगे, बहुत कुछ में क्या करेंगे। भाई वीडियो एंड करते हैं क्या, ज़्यादा बातें होगी है तो मेरे ख्याल से वीडियो एंड करने का टाइम हो चुका है यहाँ पे। तो वीडियो भी हम बाहर रोड पे एंड कर रहे हैं अपनी बाइक के साथ, तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा। अरे क्या बात है, अभिषेक जस्ट राइडर इन दी हाउस, याद है चेहरा। कह रहे किसी गली है, थोड़ा समझा करो भाई। मैं पता क्या है, मैं अभी वीडियो एंड करने वाला था, मगर तुमने
एकदम इतनी प्यारी एंट्री मारी है यार। मैं बोलने ही वाला था जस्ट मैं कि भाई अभी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ये वो एनोल, मगर हमारे भाई पहले ही आ गए तो करते हैं एंड वीडियो को एंड करते हैं। तो भाई यहाँ पे हम करते हैं अपनी वीडियो को एंड। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसको कर दीजिए लाइक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी विलियार से ज़्यादा पसंद है, पुरानी विलियार से ज़्यादा पसंद है कि नई विलियार से ज़्यादा पसंद है। कमेंट करो यार, कमेंट सेक्शन ओपन है हमारा। तो जब तक के लिए हम चलते हैं, इस वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अपने न्यू ब्लॉग के साथ। हम ट्राई करेंगे डेली न्यू ब्लॉग्स, डेली का तो मैं नहीं कह सकता मगर हाँ 2 या 3 दिन के अंदर मेरे व्लॉग्स आया करेंगे, अब 2 से 3 दिन के अंदर, क्योंकि डेली का चैलेंज अगर बोल दूंगा और मैं कर नहीं पाऊंगा तो फिर वो मेरे लिए ख़राब बात होगी। तो 2 से 3 दिन में मेरे नए व्लॉग्स आएंगे। तो चलो मिलते हैं आपको अपने न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।